नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है बुकवॉर्म्स ऑफ एसएससी चैनल पर। स्टूडेंट्स, असिस्टेंट लोको पायलट की छुट्टियों और हॉलीडेज़ के बारे में मैं आपको इस वीडियो के अंदर पूरी जानकारी देने वाला हूं। ये चीज़ हमें भी समझने में काफ़ी समय लग गया था जब हम रेलवे में आए थे कि छुट्टियाँ किस तरीके से दी जाती हैं रेलवे में। जो लोग ये कहते हैं कि छुट्टियाँ बहुत कम मिलती हैं रेलवे में, वो सरासर झूठ कहते हैं। स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है, छुट्टियाँ रेलवे में बहुत हैं, लेकिन रेलवे का शेड्यूल जो है काफ़ी बिजी होता है, जिसकी वजह से छुट्टियाँ ग्रांट नहीं हो पाती हैं। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि रेस्ट और हॉलिडे असिस्टेंट लोको पायलट के अंदर किस हिसाब से डिवाइड होते हैं, और ये चीज़ें असिस्टेंट लोको पायलट और गार्ड, इन तीनों के लिए ही मान्य होती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको पूरी जानकारी दूंगा हर एक छुट्टी के बारे में और रेस्ट के बारे में। तो सबसे पहले हम चलते हैं, बात करते हैं रेस्ट की। तो देखिए स्टूडेंट्स, रेलवे के अंदर जो रेस्ट होता है असिस्टेंट लोको पायलट का, ये दो तरीके से होता है। सबसे पहला जो रेस्ट है वो है 16 आवर रेस्ट। अब 16 घंटे का जो रेस्ट होता है स्टूडेंट्स, ये कब मैं बताता हूँ आपको। जैसे ही आप कोई गाड़ी लेकर आते हैं अपने हेडक्वार्टर, मान लिया जाए आपका जो हेडक्वार्टर है वो है नई दिल्ली। ओके, नई दिल्ली वैसे गुड्स का हेडक्वार्टर नहीं है, लेकिन मान लिया जाए कि तुगलकाबाद जो दिल्ली का है वो गुड्स का हेडक्वार्टर है, यानी मालगाड़ियों के गाड़ों के लिए वो हेडक्वार्टर है। तो अगर तुगलकाबाद आपका हेडक्वार्टर है और आपको वहाँ पर 16 घंटे का रेस्ट लगता है, वो कब लगेगा? जब आप कोई गाड़ी किस कहीं और लेके जाएंगे और वापस लेकर आएंगे, तो आपको अपने हेडक्वार्टर पर 16 घंटे का रेस्ट मिलता है नॉर्मल। ठीक है, अब 16 घंटे के बाद आपको कॉल आती है कि आपकी गाड़ी लगनी है। लेकिन अगर गाड़ी कम नहीं होती है, कई बार ये रेस्ट बढ़ भी जाता है, कभी कभी 24 घंटे 30 घंटे भी ये रेस्ट हो सकता है। अब ये चीज़ें डिपेंड करती हैं आपके डिवीज़न और आपके पोस्टिंग पर। कई एरियाज़ ऐसे हैं जैसे कि NR डिवीज़न के अंदर है, या फिर आगरा, जैसे आगरा जो हेडक्वार्टर है वहाँ पर ये रेस्ट काफ़ी बढ़ जाता है। मुगल सराय का आगरा का हेडक्वार्टर है, तो वहाँ पर आपको नॉर्मल 35 घंटे का रेस्ट आपको ज़रूर मिलेगा, और वहाँ दूसरे रेस्ट लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो 16 घंटे का रेस्ट तो आपका ऐसा होता है कि जिसमें 40+2 का रेस्ट होता है अगर गाड़ियां बहुत ज़्यादा चल रही हैं, वरना आपका होता है 16+2 का, यानी 18 घंटे में आपकी गाड़ी लगती है अगर गाड़ियां काफ़ी चल रही हैं। अगर गाड़ियां नहीं चल रही हैं तो आपका जो रेस्ट है वो आपके ऊपर वाले गार्डों के पहले लगता है गाड़ियां, और उसके बाद आपकी गाड़ी लगती है। जैसे ही आप साइन ऑफ करते हैं, जितने भी गार्ड आपसे ऊपर पहले आए हैं हेडक्वार्टर पे, सबसे पहले उनकी गाड़ियां लगेंगी, फिर आपको बुलाया जाएगा आपकी गाड़ी के लिए जब आपका नंबर आएगा। तो उस हिसाब से आपका रेस्ट बढ़ भी जाता है 16 घंटे का। कभी कभी ये रेस्ट 20 घंटे 25 घंटे 30 घंटे 40 घंटे भी हो जाता है। तो इस तरीके से असिस्टेंट लोको पायलट का रेस्ट यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मिलता है 16 घंटे वाला। अब मैं आता हूँ दूसरे टाइप के रेस्ट पर। जब आप एवरेज 6 दिन काम कर लेते हैं, 5 से 6 दिन आप काम कर लेते हैं, तो आप हकदार हो जाते हैं 1 30 आवर रेस्ट के, जो कि दूसरा है। अब देखिए, यहाँ मैंने 30 और 32 आवर रेस्ट क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि अगर आप नॉर्मल टाइम में साइन ऑफ करते हैं रात के 10 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक, इसके बीच में अगर आप साइन ऑफ करते हैं तो आपको 32 घंटे मिलते हैं रेस्ट के। लेकिन अगर आप इन 2 घंटों को छोड़ के बाकी किसी भी घंटों में साइन ऑफ करेंगे, यानी अपनी ड्यूटी खत्म करेंगे अपने हेडक्वार्टर पर, तो आप वहां पर 6 दिन के बाद 30 आवर का रेस्ट लगा सकते हैं। अब ये 30 आवर का जो रेस्ट होता है स्टूडेंट्स, ये आपको दिया जाता है जैसे कि दूसरी नौकरियों के अंदर संडे होता है, वैसे ही रेलवे के अंदर 30 आवर रेस्ट होता है। वहाँ पर आपको 24 घंटे का 1 दिन पूरा और 6 घंटे अलग से दिए जाते हैं ताकि आप रेस्ट कर सकें। एक हफ्ते का जो रेस्ट होता है वो 30 आवर रेस्ट कहलाता है रेलवे के अंदर। यहाँ पर संडे और सैटरडे नहीं होता है, मैं आपको पहले बता दूँ। यहाँ पर हमेशा होता है 30 और 32 आवर रेस्ट। 32 कब लगता है? जब आप रात को 10 से 12 बजे के बीच में अपने हेडक्वार्टर पर साइन ऑफ करते हैं, तब आप 32 आवर रेस्ट लगा सकते हैं, वरना 30 आवर रेस्ट लगता है हेडक्वार्टर पर। अब 32 आवर रेस्ट लगाने का भी एक कारण है, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि आपने 10 बजे साइन ऑफ किया है तो आप 32 रेस्ट लगता है आपका, तो एक तरीके से रात के दोबारा 10 बजेंगे और फिर 6 घंटे, यानी कि सुबह 4 बजे आप रेस्ट अप होंगे और आपकी गाड़ी 6 बजे लगेगी। तो इस तरीके से ये डिवाइडेड होता है। तो वहाँ पर 32 आवर इसलिए दिया जाता है ताकि आपकी जो गाड़ी लगे वो सुबह लगे, आपको रात पूरी सोने को मिल जाए। तो इसलिए 30 और 32 घंटे का जो रेस्ट होता है ये रेलवे ने रखा हुआ है। एक तरीके से ये आपका एवरेज हॉलिडे है, यानी कि एवरेज वीक हॉलिडे है। ओके, तो ये दोनों रेस्टों के बारे में मैंने आपको बता दिया, और आपको समझ में भी आ गया होगा। अगर नहीं आया तो कमेंट में पूछिए, मैं आपको दोबारा से समझा दूंगा। आगे आते हैं, अब आते हैं नेशनल हॉलीडे अलाउंस के ऊपर। तो देखिए स्टूडेंट्स, नेशनल हॉलीडे अलाउंस क्यों देती है रेलवे? रेलवे के अंदर जो रेस्ट होता है स्टूडेंट्स, वो आपको हॉलीडेज पे नहीं मिलता है, यानी कि जैसे कि आपने दिवाली है, दशहरा है, होली है, ये सब नेशनल हॉलीडे हैं, और इस दिन अगर आप काम करते हैं तो आपको अलग से अलाउंस दिया जाता है रेलवे की तरफ से, और ये जो अलाउंस होता है ये कहलाता है NHA, यानी कि नेशनल हॉलीडे अलाउंस। तो
तो ये इस समय जो नेशनल हॉलीडे अलाउंस मिलता है रेलवे में वो मिलता है 477 रुपये। तो यहाँ पर देखिए, अगर आप होली या फिर दिवाली ऐसे दिन छुट्टी ले लेते हैं तो आपको ये अलाउंस नहीं दिया जाता है। ये अलाउंस तभी मिलता है जब आप हॉलीडे के दिन काम कर रहे हैं, किसी त्यौहार के दिन काम कर रहे हैं, तो आपको ये हॉलीडे अलाउंस भी दिया जाता है रेलवे की तरफ से। तो देखिए, मैंने आपको हॉलीडे अलाउंस बता दिया, आपको दो रेस्ट बता दिए। अब मैं आता हूँ छुट्टियों के ऊपर। ये चीज़ बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, मैं आपको बहुत ही इजी वे में समझा दूंगा, क्योंकि हमें भी ये समझने में बहुत समय लग गया था। सीएल, सीएल जो होता है एक तरीके से स्टूडेंट्स इमरजेंसी लीव होती है, हर एक डिपार्टमेंट में ग्रांट की जाती है और यहाँ पर भी आपको ग्रांट की जाएगी। किसी भी डिवीजन में हो आप कहीं पर भी सीएल ले सकते हैं कभी भी। ये इमरजेंसी लीव होती है और ये मिलती है आपको 10, यानी कि एक साल के अंदर आप 10 सीएल ले सकते हैं। और ये जो सीएल होती हैं ये इमरजेंसी लीव होती हैं, ये ग्रांटेड होती हैं, इसको आप कभी भी लिख कर जा सकते हैं और आपके ऊपर कोई एक्शन नहीं होगा, क्योंकि आपने सीएल के लिए वहां पर बता दिया है और आप इमरजेंसी पर कहीं जा रहे हैं। तो जो सीएल होती है ये सुबह 6 बजे ऑफ होती है और ये उसमें आपको पूरा दिन मिलता है। और सीएल ऑफ करने के अंदर, अगर आप सीएल ऑफ करते हैं तो उसके अंदर भी बहुत सारी अलग बातें हैं, सहायक एएलपी के अंदर और लोको पायलट के अंदर। और कई बार ऐसा होता है कि जब आप सीएल, जैसे आपने 2 तारीख की सीएल ली, तो ऐसा ऐसा सीएल की वजह से ऐसा होता है कि आपको 3 तारीख को भी गाड़ी नहीं लगती है, 3 तारीख का भी आपका रेस्ट में चला जाता है और आपको या तो 4 तारीख को गाड़ी लगती है, 4 तारीख की सुबह गाड़ी लग जाती है। तो ऐसा होता है सीएल का खेल। तो सीएल के 10 लेते हैं तो इसको आप समझ लीजिए 15 से 16 मान सकते हैं आप, कि 15 से 16 छुट्टी आपको सीएल की वजह से मिल जाती है अगर आप इंडिविजुअल सीएल ले रहे हैं तो। यानी कि आप हर महीने एक सीएल लें तो वो हमेशा 2 छुट्टियों में कन्वर्ट हो जाती है। और वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, हमको मैं समझाऊंगा तो आप समझ नहीं पाएंगे कि वो चीज़ें कैसे एप्लीकेबल होती हैं। वो रोस्टर के ऊपर डिपेंड करता है, जो आपका रोस्टर होता है, रोस्टर कहते हैं जो जितने भी आपके हेडक्वार्टर पे गार्ड आते हैं उनका एक रोस्टर होता है, वो फर्स्ट टू लास्ट तक अरेंज होते हैं और उसके अंदर जो पहले होता है उनकी गाड़ी लगती है। अगर आपने सीएल लिया है तो आपकी गाड़ी सबसे आखिरी में लगाई जाती है, इसीलिए सीएल की वजह से आपको गाड़ी बाद में लगती है और आपका रेस्ट जो होता है बहुत बढ़ जाता है। तो सीएल 10 होती हैं। ओके, अब काउंट करते रहिएगा, मैं बताता जाऊंगा आपको। दूसरी जो छुट्टी होती है रेलवे में वो होती है एलएपी। अब एलएपी क्या है? एलएपी होता है लीव एवरेज पे। ये इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट्स आपको कोई नहीं दे सकता, हमारे चैनल पे ही मिलेगी आपको इस इन्फॉर्मेशन, क्योंकि मैं रेलवे से हूँ और मुझे पता है कि छुट्टियाँ कैसे मिलती हैं रेलवे में। तो लीव एवरेज पे जो होता है स्टूडेंट्स, ये आपको दिया जाता है हर महीने पे काम करने के लिए। यानी कि आपने पूरा 1 महीना अगर काम किया है तो उस हिसाब से आपको 2.5 दिन की छुट्टी मिलती है। ओके, अगर आप इस 2.5 दिन की छुट्टी को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से तो कितने दिन की छुट्टी बन जाती है? तो देखिए, 2 महीने की छुट्टी हो गई 5 और 12 महीने की छुट्टी हो गई 30, यानी कि 30 LAP मिलती हैं आपको। LAP और CL में बहुत फर्क है स्टूडेंट्स, यहाँ 30 LAP जो होती हैं ये साल के अंदर 30 आपको मिलती हैं। अगर आप 1 साल काम करते हैं 30 LAP मिल जाती हैं। LAP को आप बाद में बेच भी सकते हैं। रेलवे एम्प्लॉयज की LAP जो बची रहती है वो अपने रिटायरमेंट के टाइम पर अपनी आधी LAPs को बेच देते हैं और उसके एवज में 1 LAP पर आपको 1 दिन का पूरा बेसिक मिलता है। यानी कि अगर आपकी सैलरी का बेसिक जो है वो HRA और ये सब मिला के जो बेसिक होता है 1500 बनता है, या HRA हटा दीजिए 1500 आपका बेसिक बनता है, तो आपको 1500 के हिसाब से 1 दिन के आपको बाकी जितने भी LAP होंगे, अगर आपके 300 LAP हैं तो 1500 के हिसाब से आपको 300 दिनों के लिए सैलरी दी जाएगी। तो ये होती है LAP जो आपको हर एक महीने 2.5 मिलती हैं। ओके, अब LAP और CL में क्या फ़र्क है मैं आपको बता दूं। LAP और CL में ये फ़र्क है कि जो CL ऑफ करते हैं तो गाड़ी बहुत देर पे लगती है स्टूडेंट्स, लेकिन LAP ऑफ करते हैं तो आपकी गाड़ी 0 बजे, यानी कि जैसे ही आप दिन खत्म होता है रात में, वैसे ही आपकी गाड़ी पहली लग जाएगी, पहली गाड़ी आप ही की लगेगी, समझ रहे हैं आप। तो आप देखिए, LAP जो होता है टॉप प्रियोरिटी होता है, उसको जल्दी लगाई जाती है गाड़ी, लेकिन CL टॉप प्रियोरिटी नहीं होता है, CL को बाद में लगाया जाता है, इसीलिए CL कम मिलती हैं और सीएल इमरजेंसी लीव कहलाती है। ओके, अब आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। देखिए, मैंने आपको एलईबी समझा दिया, सीएल समझा दिया, अब आते हैं मेडिकल लीव पर। रेलवे में जो मेडिकल लीव मिलती है टोटल 20 होती हैं स्टूडेंट्स। अब ये जो 20 होती हैं, या तो आप जो 20 होती हैं, यानी अगर आपने एक मेडिकल लीव ली तो आपको 2 दिन की दो एलईबी आपकी खर्च होगी। इसको मेडिकल लीव को कहते हैं LAHP। ओके, यहाँ इसको हेल्थ लीव कहते हैं एक तरीके से, जो मेडिकल लीव होती है। अगर आप चाहो तो 20 दिन की मेडिकल लीव ले सकते हो जिसमें आपको आधी पेमेंट मिलेगी, या 10 दिन की मेडिकल लीव ले सकते हो जिसमें आपको पूरी पेमेंट मिलेगी। एक तरीके से आप ये चीज़ें कर सकते हैं। ये दोनों ही मेथड, ये और लिखा हुआ है इसलिए मैंने, क्योंकि एक ही चीज़ ले सकते हैं आप, या तो आप 10 दिन की फुल पेमेंट ले लें और 10 दिन की छुट्टी ले लें मेडिकल वाली, या फिर आप 20 दिन की पेमेंट ले लें और 20 दिन की हाफ पेमेंट ले लें,
तो आपको 20 दिन की छुट्टी मिल सकती है यहाँ पर, लेकिन आपको पेमेंट हाफ मिलेगी, और ऊपर वाले केस के अंदर 10 दिन की पेमेंट आपको पूरी मिलेगी अगर आप 10 दिन की लेते हैं तो। लेकिन जैसे कि आप और बीमार पड़ गए, जरूरी नहीं है कि आप 10 ही दिन बीमार पड़ रहे हो, क्या पता आप साल के अंदर और बीमार पड़ गए, तो वहां क्या होगा, तो मैं वहां पर बता देता हूँ स्टूडेंट्स। वहां पर होगा ऐसा कि आपकी जो LAP होंगी, यानी कि जो मैंने आपको ऊपर बताया था ये LAP जो 30 हैं, ये कन्वर्ट हो जाएंगी आपकी मेडिकल लीव के अंदर। ये आपकी कटेंगी जब आप मेडिकल लीव से ज्यादा छुट्टियां लेंगे तो। तो मैंने आपको बताया कि मेडिकल लीव 10 ही होती हैं टोटल जब आप फुल पेमेंट लेते हैं हर एक दिन की, और अगर आधी पेमेंट लेते हैं तो ये 20 बन जाती हैं, और अगर ये खत्म हो जाती है मेडिकल लीव आपकी एक साल की, तो आप ले सकते हैं LAP अपनी मेडिकल लीव के तौर पर, आपकी LAP कटती हैं। जब LAP भी खत्म हो जाए तब क्या होगा, जब LAP भी खत्म हो जाएंगी तब आपको विदाउट पे रखा जाएगा उस समय। ओके, विदाउट पे रखा जाएगा आपको उस समय, पैसा नहीं दिया जाएगा अगर आप मेडिकल पे इतना ज़्यादा समय तक हैं तो। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि रेलवेज के अंदर रेस्ट और बाकी के चीज़ों के बारे में थी। अब स्टूडेंट्स ये इन्फॉर्मेशन आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी, और अगर चैनल पे वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। गुड बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।